दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं, आपका भी एग्जाम में फिजिक्स का तो लेकर आ चुके हैं, बिल्कुल इसका वायरल रियल प्रश्न पत्र। देखिए, आपका विषय फिजिक्स रहने वाला है, ठीक है, विषय कोड आपका 117 रहने वाला है। आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपको बता दें, अगर आप हमारे पैड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर 6210-82403 पर SMS पैड लिखकर आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 199 रुपये में आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है, टॉपर बैच में, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा बता दे रहा हूँ। जिसमें आपको सबसे पहले हर मंथली एग्जाम का रियल पेपर सबसे पहले मिलेगा, ठीक है, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसमें बहुत चीज़ आपको डेली यूज होगा, ठीक है, मतलब आपको हर एक सुविधा है, ठीक है, और कम से कम टॉपर बैच में आपका 80% से ज़्यादा स्कोर जाएगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा नंबर पे SMS करके 6210-82403 पे। देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो 20 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता कितना होती है, तो +10 डाई आफ्टर होता है, उत्तल लेंस पूछ रहा है, ठीक है, अवतल दिया रहता है तो यहाँ पर माइनस में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लस में होगा, ठीक है, +10 डाई आफ्टर, ठीक है, डाई आफ्टर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश का अपवर्तित होता है, तो क्यों कांच से जल में, ठीक है, जल से कांच में, जल से वायु में, या कांच से वायु में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांच से जल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांच से जल में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के 7 रंगों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेप या विपवर्तन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वर्ण विक्षेप, आपको ये याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन, आकाश के नीले रंग होने का कारण क्या है, आकाश के नीले रंग होने का कारण क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेप है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिघटन प्रकाश का क्वांटम प्रकृति का समर्थक करती है, कौन करती है, विपवर्तन करती है, ध्रुवण करती है, व्यक्तिकरण करती है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव करती है, तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव करती है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव होगा, उसके अंदर का विभव कितना होगा, 0 होगा, धनात्मक एवं समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा, या ऋणात्मक तथा समरूप होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है, हमेशा 0 होता है, ठीक है, धन आवेश किया जाए तो उसका अंदर का विभव होगा 0 हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर ये खोखला वस्तु है तो इसको अगर खोखला है तो अंदर कुछ नहीं है, तो अंदर हमेशा 0 होगा, ठीक है, अगर ये भरा रहता तो इसका मान हो जाता साइन थीटा या कॉस थीटा करके इसका मान निकाला जाता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाला सभी विद्युत धाराओं का योग होता है, तो क्या होता है, 0, अनंत, धनात्मक या ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होने वाला है। साइकोटोन में किसी आवेशित कण का आवर्त काल टी तथा महत्तम चाल भी हो, तो ये सूत्र है, देखिए सूत्र है, बहुत आसान सूत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, टी 1/VQ, ठीक है, चाल मतलब तिगुना हो जाएगा, ठीक है, 1/चाल तिगुना हो जाता है यहाँ पर। 9 नंबर क्वेश्चन दिया, किसी चालक को वेक्टर ई, देखिए इसको वेक्टर पढ़ाया जाता है, अगर इसको वेक्टर पढ़ाया जाता है और वेक्टर के नीचे क्या दिया, ई दिया, तो वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुमानित वेग होगा, ठीक है, अनुमानित वेग पूछ रहा है, तो अनुमानित वेग पूछेगा ना जब, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर शुरू में माइनस लग जाता है, ठीक है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा कि आदर्श का होता है उच्च प्रतिरोध, ठीक है, आदर्श मतलब किसी विशेष की बात की जा रही है, आदर्श मतलब विशेष होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय एवं भौगोलीय बीच का कोण कहलाता है, मतलब ये दोनों नाम के बीच का कोण क्या कहलाता है, नमन कोण, दीप्तमान कोण, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक या भासी नमन कोण, तो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तार का प्रतिरोध R है, देखिए एक
तार का प्रतिरोध आ रही, यदि इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो ये तार का प्रतिरोध होगा। तार का प्रतिरोध कितना होगा तो 4R हो जाएगा। ठीक है, एक मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, इसको खींचकर आधा कर दिया जाता है, ठीक है, इसको खींचकर आधा कर देता है, मान लीजिए इतना कर दिया जाता है, तो इसका मान कितना होगा? तो देखिए, पहले मान लीजिए कुछ और था, फिर इसको दो भागों में करके आधा आधा कर दिया गया, एक मान लीजिए आर है, ठीक है, और फिर एक आर है, तो आर प्लस आर 2R हो गया, और फिर इसको जोड़ दिया गया था 4R हो गया। ठीक है, क्योंकि उसको जोड़ना भी तो पड़ेगा, तभी तो विद्युत का संचालन होगा वहाँ से। संधारित्रों को समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, वह क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि वह क्या है, तो वह विभवांतर है। विभवांतर कहाँ दिया था? आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगर आप हमारे पैड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में आप टॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास होगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे साइंस आर्ट्स दोनों के लिए, और आपको क्या क्या मिलेगा, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और हर मंथली एग्जाम का आपका पेपर मिलेगा। इस नंबर पे SMS करना है आपको पैड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए या फिर टॉपर बैच में ज्वाइन करने के लिए, मात्र 199 रुपये में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर 1000 बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशेष कितना होता है? तो आप लोगों को पढ़े होंगे 1.67 × 10⁻¹⁹, ठीक है, कैलविन केजी, ठीक है, कैलविन बटे केजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 1.67 × 10⁻¹⁹, ठीक है, और सी केजी आपको याद रखना है, ठीक है, सी बटे केजी या सी केजी। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी उच्च ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली को लपेटने की संख्या क्रमशः N1 और N2 है, तो क्या हो जाता है N1 और N2? तो आप सभी को पढ़े होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, N1 N2 के कभी बराबर नहीं होता है, N1 बराबर 1/N2 होता है, ठीक है, और ये ज़्यादा भी नहीं होता, कम भी नहीं होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु में स्थित इकाई आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है, तो आप लोग पढ़ा होंगे कि विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाया जाता है, एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है, ठीक है, इसको एप्सिलॉन और इसको जीरो लग गया, मतलब एप्सिलॉन नॉट क्या बोला जाता है, इसको कोष्ट में लगाकर यहाँ पर लगा दिया जाता है -1, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 64 समरूप बिंदु जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराइड है, ठीक है, 5 माइक्रोफेराइड है, जिसमें इसको माइक्रो पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको माइक्रो पढ़ा जाता है, माइक्रोफेराइड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बूंद की धारिता क्या होगी? तो बूंद की धारिता क्या होगी? तो आप सभी का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब 25 माइक्रोफेराइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से आपका, प्रत्येक 6 माइक्रोफेराइड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, तो इनका न्यूनतम तथा अधिकतम मान, तो न्यूनतम 2 हो जाएगा और अधिकतम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किरण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? कौन विक्षेपित नहीं होती है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण है, ठीक है, गामा किरण है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोक कुंडली की शक्ति गुणांक है, चोक कुंडली की कितनी होती है? तो देखिए, चोक कुंडली जो होती है ना, वो हमेशा सीधा रहती है, सीधा कितना कोण बनाता है? तो 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और कोई पूछेगा कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो आप सभी को बता देना कि साइन 90 का मान 1 होता है, और कॉस 90 का मान कितना होता है? तो 0 होता है। आपको ये याद रखते हुए चलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन दिया है, बायो स्टॉक के नियम का गणितीय सूत्र है, तो कौन गणितीय सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकेल है, निकेल बहुत यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, निकेल क्या है? तो लौह चुंबकीय है, ठीक है, निकेल लौह चुंबकीय है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लौह चुंबकीय नहीं, प्रति चुंबकीय है, ठीक है, लौह चुंबकीय नहीं, प्रति चुंबकीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे टॉपर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नॉर्मल ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। नॉर्मल ग्रुप में कम क्लासेस होते हैं, लेकिन उसमें हमेशा डेली क्लास होते हैं, ठीक है। नॉर्मल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देखिए, इसमें 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी है? तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, प्रकाश का एक किरण कांच में 3/2 से पानी अपवर्तन 4/3 संरचना करती है, क्रांति कोण का मान होगा? तो कितना होगा? तो साइन इनवर्स, ठीक है, इसको इनवर्स बोलते हैं, ठीक है,
ये ऊपर वाला जो माइनस लगा रहता है इसको इन्वर्स बोलते हैं। साइन इन्वर्स कितना हो जाएगा जब इसका निकालिएगा ना, तो नीचे नीचे क्या हो जाएगा, 6 करके और फिर 3 माइनस। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाला दो किरण के बीच कलातर होता है, तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाई। फाई कहाँ दिया है, फाई ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन को फोटोन का समान होगा, तो क्या होगा, संवेग, ठीक है, संवेग होगा, ठीक है, संवेग, वेग नहीं, संवेग होगा, ठीक है। वेग और संवेग में यही फर्क है कि वेग मतलब चलता है और संवेग एक समान चलता है, आपको यह ध्यान रखते हुए चलना है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की कमी की दो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, कितना होती है, तो जेड के, ठीक है, जेड के। अगला क्वेश्चन की ओर, जेड के नहीं हो जाएगा, जेड इनवर्स के हो जाएगा, ठीक है, जेड के नहीं, जेड इनवर्स के हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या, तो बोरान कहाँ दिया, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने 10 दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। नीचे दिए गए चित्र में इसका असमतुल्य धारिता ज्ञात करना है, तो जब इसका निकालिएगा ना, तो इसका सूत्र होता है 1/C1 +1/C2 करके, और फिर जब इसका निकालिएगा ना श्रेणी क्रम में, तो फिर समानांतर क्रम में निकालना होगा, ठीक है। तो जब समानांतर क्रम में निकालिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 29 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दें, या फिर आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मेंडल वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त किस में होती है, तो दृष्टिकरण के लिए होती है, ठीक है, नहीं, मेंडलस के लिए होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।